तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नई वीडियो में। मर्यादा रमन्ना भाई ये मूवी 2010 में आया था और ये फिल्म हिट होने के बाद 5 अलग अलग भाषाओं में इसका रिमेक बनाया गया, कन्नड़ में, बंगाली में, तमिल में, मलयालम में और हमारा हिंदी में। लेकिन जैसा कि हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं, मर्यादा रमन्ना को SS राजामौली साहब ने एक साइलेंट कॉमेडी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर बनाई थी जो की 1923 में आया था। आप अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकती हो। हाँ तो भाई बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सनफ सरदार बिल्कुल मर्यादा रमन्ना जैसा ही है, ऐसा नहीं है भाई। हाँ मतलब प्लॉट सेम ही है लेकिन सनफ सरदार को थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है। हाँ लेकिन मर्यादा रमन्ना के बाकी 4 रिमेक में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, वही साइकिल, वही नौकरी, वही क्लाइमैक्स, मर्यादा रमन्ना जैसा है बिल्कुल वैसा ही छाप दिया गया। भाई हमने इसमें बंगाली वाला सीन नहीं दिखाया है, नहीं तो बंगाली वाला रिमेक भी बिल्कुल सेम है। पर सनफ सरदार बाकी रिमेक की तरह एकदम सेम नहीं है, सिर्फ स्टोरी और बस कुछ ही सीन सेम है। स्टोरी में वही खानदानी दुश्मनी, हीरो भाई साहब जमीन के लिए आना, दुश्मन के घर में फंस जाना, मेहमानों को घर के अंदर ना मानने का फायदा उठाना और फिर दुश्मन की फैमिली से ही एक लड़की को प्यार कर बैठना, यह सब कुछ सेम है। और सीन में जितना भी कुछ सेम है आप देख सकते हो। भाई बात करें डिफरेंट की तो सनफ सरदार में अजय पाजी साइकिल नहीं चलाते, इनके पास भी नौकरी नहीं है पर ये कभी बोरी नहीं उठाते। और फिर बिल्लू और पम्मी की सारी सीन, पुलिस बुलाने वाला सीन, घोड़े वाला चेस सीन, क्लाइमैक्स की फाइट सीन, ऐसे बहुत कुछ है जो सनफ सरदार में डाला गया है जो कि मर्यादा रमन्ना में नहीं था। हाँ पर सनफ सरदार में भी कुछ ऐसे सीन है जो कि टॉम एंड जेरी की याद दिलाता है और कुछ सीन फिजिक्स और ग्रेविटी के मजाक भी उड़ाता है, पर फिर भी ठीक है क्योंकि ये मूवी हम सबको बहुत हंसाया है तो इतना तो चलता है। बात तो सही। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या विचार है इन दोनों मूवी को लेकर कमेंट करके जरूर बताना। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।